नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार से आए हुए कुछ जंतर मंतर पर लोग हैं। आपका क्या नाम है और यहाँ पर आप क्यों आए हैं वो बताएं। मेरा नाम सोला बिरोली हुआ। मैं ऑल इंडिया हॉल लैंग्वेज एक्शन कमेटी का सचिव हूँ जी। हम लोग पूरे भारतवर्ष से हमारी जो हो भाषा है, हो भाषा को अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसकी मांग को लेकर आज हम लोग जंतर मंतर पर अपनी मांग को अपने यहाँ रख रहे हैं केंद्र सरकार के पास जी। आने वाले दिनों में इसको अगर शामिल नहीं किया जाता है तो 2019 का चुनाव है, उस पर हम अपना मत दे करके अपना ताकत का एहसास करवाएंगे। हमारे साथ लक्ष्मी दक्ष जी हैं। लक्ष्मी जी, यहाँ पे क्यों आए हुए हैं आप, कहाँ से आए हैं वो बताएं अपना। हम लोग ऑल इंडिया हॉल लैंग्वेज एक्शन कमेटी के बैनर तले आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से करीब 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है हो भाषा को संवैधानिक स्वीकृति के लिए दो सरकार, झारखंड के सरकार 2003 साल में और उड़ीसा के सरकार 2011 साल में संवैधानिक स्वीकृति के लिए सिफारिश किया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए हम पूरे जोरदार तरीके से मांग रखना चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि हो भाषा को संवैधानिक स्वीकृति के लिए तुरंत कार्यवाही हो। बहुत सारे लोग झारखंड से आए हैं और हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारा हक है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, जैसा कि नहीं हो पा रहा है और हो सकता है हमारा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाए तो हमें आगे भी इस चीज़ से वंचित रहना होगा। अगर आपकी मांगों को नहीं मांगा जाता है तो आप क्या करेंगे सर? जी, मैं आसाम से सुरेंद्र चतर। अगर सरकार के हम लोग चाहते हैं हमारे जो हो भाषा है, हो हायम है, ये हो हायम को 8वीं अनुसूची में लागू कराने के लिए हम सब बहुत अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अगर इस बार हम लोग चाहते हैं 2019 में जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हम लोग के हो समुदाय के लिए, हो जाति के लिए ये बहुत बड़ा रूल होगा, क्योंकि हम लोग भी चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विशेष करके आसाम में जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है, इस लैंग्वेज का प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है जैसे कि वहाँ आसामी मीडियम पढ़ाई चल रहा है, जैसे कि हम लोग का भी घर में हो या बाहर में हो भाषा में बातचीत किया जाता है, तो हम लोग का जो आगे बढ़ने का जो स्पीड है वो बहुत स्लो होते जा रहा है, तो भाषा के कारण। इसीलिए हम लोग का दावी है सरकार से कि हम लोग की जो हो भाषा को 8वीं अनुसूची में लागू किया जाए और हम लोग को सहाय किया जाए और जो मान्यता दिया जाए। मोदी साहब का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? बात यही है, गांव से दिल्ली तक आज एक ही नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो गांव में पिछले आदिवासी लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अपना हो भाषा भाषी है, बहुत सारा आदिवासी भाषा भाषी लोग है, उनका साथ हमारा जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका साथ तालमेल कर जुट जड़ के सरकार नहीं चला पा रहा है। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हो भाषा को संवैधानिक स्वीकृति मिलना चाहिए, क्योंकि हो भाषा भाषी इतना आदमी है, करोड़ आदमी है, उनका जो भाषा का जो भाषा का डिमांड है, उनका प्रकृति के साथ डिमांड है, उनको सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड और जो लाइफ लिविंग इसका साथ कल्चरल का साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हर आदिवासी जो भाषा के लिए डिमांड कर रहा है उनको भी शामिल करना चाहिए 8वीं सूची में। इसका साथ हमारा हो भाषा एक स्पेशल भाषा है जो आसाम, बंगाल, उड़ीसा एंड अदर स्टेट में भी रहते हैं, 8-9 स्टेट में रहते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा आदमी है, ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पब्लिक है, इसलिए आदिवासी का हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करना बहुत जरूरी है। आज जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक वगैरह बहुत सारी जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा है कि हमारी भाषा को भी अपनी भाषाओं में शामिल किया जाए। ये थे जंतर मंतर से कैमरामैन मनोज के साथ सुरेंद्र सिंह गौतम।